दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ पुलिस भर्ती के जो मुख्यालय है यहाँ से देखिए नवा रायपुर के अंतर्गत विभिन्न पदों में प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तिथि तय हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में साथ ही इसके सिलेबस के बारे में पूरी देखने वाले सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर का 6 नवंबर से आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 6 नवंबर से आपका लिखित परीक्षा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले ज़्यादा देरी न करते हुए सबसे पहले मुख्य बात की बात करते हैं, परीक्षा की तिथि जो संभावित है 6 नवंबर 2022 को रविवार को होगा परीक्षा की तिथि, ठीक है, प्लाटून कमांडर सूबेदार उप निरीक्षक का, ठीक है। अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। परीक्षा के समय की बात करें तो अपने 2:00 से 4:15 तक रहेगी, दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरने की प्रारंभिक तिथि 26/9/2022 को यानी कि 26 सितंबर से प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। आज बुधवार है, मतलब आज मंगलवार है आपका, मतलब कल से प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 16/10/2022 को रविवार को दिया गया है, ठीक है, 16 अक्टूबर को दिया गया है इसका लास्ट समय। अब वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है 28/10/2022 को दिया गया है। परीक्षा के केंद्र के बारे में बात करें आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि परीक्षा 5 संभावित मुख्यालयों में दिया गया है, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर। इसके सिलेबस के बारे में भी देखेंगे, इसके बाद जस्ट मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि कैसे तैयारी करना है सूबेदार उप निरीक्षक का। इसका लिखित परीक्षा मैं आप सभी को बता चुका हूँ, 6 नवंबर 2022 को इसका लिखित पेपर होगा। साथ ही इसको ध्यान से समझिएगा कि देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में जो जाति, जन्म तिथि, निवास, संबंध, प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी सभी का प्रमाण पत्र परीक्षण नियुक्त कर पदाधिकारी द्वारा नियुक्त के पहले ही अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापक जवाबदारी नहीं लेगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा, यानी कि अभ्यर्थी स्वयं इसका होगा, इसलिए मैं आप सभी को बार बार बता चुका हूँ। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की, कैसे तैयारी करना है, ठीक है, कितने नंबर से पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं। तो सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर के चयन हेतु जो प्रक्रिया है, प्रारंभिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देखने वाले हैं, यानी कि सिलेबस दिखने वाले हैं, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर पूर्णांक आपका 300 का होगा, जिसमें समय 2 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कैसे तैयारी करना यह भी आप सभी को बताने वाला हूँ। परीक्षा 2 घंटे की होगी, ठीक है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे, ठीक है, ऋणात्मक अंक नहीं होगा। यानी कि आपको यहाँ पर फायदा है कि यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 अंक होंगे, जबकि यहाँ पर ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ना। सबसे पहले समझिएगा यहाँ पर सामान्य अध्ययन के लिए, ठीक है, सामान्य अध्ययन के लिए 105 अंक का आएगा। इसमें भारत का इतिहास, भारत के भौतिक, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य दर्शन, भारतीय कला, संस्कृत, साहित्य, समसामयिक घटनाएं और पर्यावरण, ये तो व्यापम और पीएससी का सिलेबस ही है। जैसे व्यापम में पीएससी में होता है उसी प्रकार का सामान्य अध्ययन में पूछा जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पर 105 अंक का होगा सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य अध्ययन। इसके बाद बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान देखिए यहाँ पर आपका 75 नंबर का पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास से, छत्तीसगढ़ का भूगोल से, छत्तीसगढ़ के साहित्य, छत्तीसगढ़ का जनजाति, विशेष परंपराएं, तीज त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं कृषि से संबंधित, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज व्यवस्था, छत्तीसगढ़ उद्योग, छत्तीसगढ़ का समसामयिक घटनाएं, यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ से पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान। यानी कि आपका देखिए पीएससी और व्यापम में यानी कि सिलेबस आपको सेम देखने को मिलेगा, यहाँ पर जैसे कि भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, लेकिन आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको व्यापम में उतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, जबकि पीएससी में पूरा डीप पूछा जाता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सिलेबस को ध्यान से समझिएगा, कितने नंबर का पूछा जा रहा है ये भी आप सभी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर की सामान्य जानकारी देखिए, कंप्यूटर का आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर का 15 नंबर पूछा जाएगा कंप्यूटर की सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में। साथ ही छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के कक्षा स्तर का आपका सामान्य जानकारी रहेगा कंप्यूटर का। इसके बाद देखिए यहाँ पर मानसिक योग्यता के बारे में बात करें, सामान्य मानसिक योग्यता आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा 30 नंबर, ध्यान से समझिएगा, इसमें 30 नंबर पूछा जाएगा सामान्य मानसिक योग्यता में। तर्क करना, संबंध देखना, एलोलॉजी, तर्क तार्किक है ना परीक्षण, ये सामान्य आपके रहेंगे, रीजनिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रीजनिंग कहा जाता है, ठीक है,
इसमें छुपे वर्ग, चित्र, गणितीय संक्रियाएं, चित्र का मिलान, विभिन्न पैटर्न के आदि यहाँ पर मानसिक योग्यता पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका गणित का 30 नंबर का रहेगा, ठीक है। गणित का सामान्य गणित में आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। ये सामान्य कॉमन बात है, व्यापम में रहता ही है। सामान्य गणित में बात करें दार्शनिक प्रणाली यानी कि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, यहाँ से संख्याएं पूर्ण, सम, विषम, अवाज्य, आरोही, अवरोही क्रम, साधारण, भिन्न, ठीक है, वर्गमूल, औसत, प्रतिशत, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आप देखिए चाल, समय, दूरी, यहाँ पर ब्याज, लाभ, हानि, अनुपात, प्रतिशत, रेखा, कोण, समतली, दिशा, ज्ञान, यानी गणित से आपको बिल्कुल 30 नंबर में कम से कम 25 नंबर ला सकते हैं इसका स्कोरिंग, ठीक है। मैं डेली आपको कराऊंगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, कल से प्रारंभ हो चुकी है सब इंस्पेक्टर की क्लास, ठीक है। डेली आपको सिलेबस के अनुसार आपको बिल्कुल कोर्स कराया जाएगा और यहाँ एग्जाम से पहले आपको पूरा कंप्लीट कराने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। सामान्य हिंदी में आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन आप सभी को मैं बता रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश का जो क्लास है या सिलेबस है उसको आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, साथ ही कंप्यूटर का डेली क्लासेस कल से प्रारंभ हो चुकी है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। कल से हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ हो चुकी है सब इंस्पेक्टर की क्लास, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास अपलोड हो चुकी है, जाके आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप सभी को मैं बताऊँगा कि गणित से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। कल से हमारे यूट्यूब चैनल पर गणित की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। गणित की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 30 नंबर का गणित में पूछा जाएगा, तो आपको 25 नंबर तक हम आपको सिलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अगर देखिए अब हिंदी में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, संज्ञा से, सर्वनाम से, समास, संधि, व्याकरण, ये सब आप हिंदी का है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हिंदी का आप लोग पढ़ लीजिएगा और अंग्रेजी का भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नंबर, जेंडर, प्रोनाउन, यहाँ से अंग्रेजी का आपको 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल यानी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपको 300 नंबर का यहाँ पर प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 300 अंक का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। एक अब 3 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, आपका 100 प्रश्न रहेंगे, उसमें पूर्णांक 300 का होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 अंक दिया जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आप सभी को बार बार बताया हूँ। और देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सामान्य ज्ञान की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सामान्य अध्ययन से, भारत से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं डेली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देगा, टेस्ट सीरीज चलेगा। जो लोग अभी तक बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो पर जाइए, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, कल से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।